रघुवीरा अवध में तुम दिल की धड़कन में, और ये लवर्स पॉइंट मेरे रश के कमर तुम पहली नजर। अभी जोधपुर बनाया था इसे फिल्म के अंदर, मेरे रश के कमर गाना दिखा था ना अभी बादशाह मूवी का, तो एक सीन यहाँ भी शूट हुआ है उसका। एक मूवी आई थी आपको याद है सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन को जहर खिलाते हैं, स्कूल का बच्चा आता है, चाहे किस तरह के सीन वगैरह हुए हैं। यहाँ पर स्पीचेस वगैरह दिए जाते हैं जैसे फैंटम, गांधी, गदर, बहुत सारी मूवीज में देखा है नेताजी आते हैं भाषण देते हैं, ब्लास्टिंग होती भुड़ुम नेताजी उड़ जाते हैं, है ना, उस तरह की सीन यहाँ पर हुए हैं। आइए सर रसोई घर दिखाते हैं, आप ऐसा मत समझो फिल्मी घर कैसा होता है, आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। घर तो खाली होगा बट नेचुरल घर कैसा होता है देखोगे आप। बहुत बड़ा घर है, कम ऑन लेट्स गो। इट्स ऑलमोस्ट 30 years नाउ मोर देन दैट इवन राइट। So his grandson is a star now. Oh. His name is Ranbir Kapoor. Oh, also actor. Yeah, he's a famous actor. Oh, oh also famous. Grandson and his grand daughters also. Karina Kapoor, Karishma Kapoor. Oh. They're superstars in India. Oh. By the year 1973 or something. Yeah, yeah. Just, let's say, end of the black and white. Please come. दोस्तों देखो थर्मा, अभी ये थर्मा को डिजाइन दे रहे हैं इसको, थर्मा को या फाइबर से डिजाइन देते हैं। ये जो घर देख रहे हैं ये बनाया गया था पोस्ट ऑफिस फिल्म 30 मारखान में, न्यूटन मूवी के अंदर आपने ये सरकारी स्कूल के रूप में देखा है, कभी कभार इसे पोलिंग बूथ बनाते हैं, कई बार इसे दोस्तों वो सरकारी जो महकमा दिखाना हो, पंजाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था यहाँ पर, स्पोर्ट्स अकेडमी बनाते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुश्ती का बनाते हैं, इस तरह से शूट किया जाता है। कोई पीछे वाला जो घर देख रहे हैं कोई मिल गया मैं ऋतिक रोशन का, जहाँ से जादू मिलता है, जादू 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 उसके अंदर में जाना, बाहर बाहर अंदर में जाना बेटा, फाइन लगा ले, ले लीजिए आप। सब आ गए, पानी से पानी ले सकते, इसमें पानी चाहिए प्लीज ले लीजिए आके। चलिए भाई अब जाते जाते भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ भाई जब भगवान का बुलावा आता है ना तो आना बनता ही है। रजत आइए दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। चिंता मत करो भाई, जहाँ जा रहे हैं वही पानी। तुमने मुझको सब कुछ दिया $1,000, लेकिन फिर भी मैं रोज तेरे दर पर भिखारी बनकर आता हूँ। सिंपल वाला है, मेहनत की पूजा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ अभिषेक किया जाता है पसीने का। ये लड़का एक्टर है दोस्तों, ये अमेरिका से कुछ जहांगीर ऐसा कुछ बनाया शायद, नाम लिखा होगा उसका नीचे, ऐसे ही कुछ हिस्टोरिकल शो चल रहे। रुको 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 रुको, एक्ट्रेस आ रहे हैं, फोटो आ रहा है फेमस सा हमारी कॉमेडी वाली मोटू का, बस है फिल्म सीजन पे चल रहा पीछे। हां हां लेना तो इसकी। आपको मूवी याद है शूट आउट एट वडाला पहली वाली, जिसमें हाथ ऊपर करके जाते था वो सजित गोली मार देता। हेलो
ये जेठालाल जेठालाल ने पहले डॉक्टर हाथी यही बना हुआ था पहले चेंज हो गया ही याद आया पहले पहले ही बना था स्टार्टिंग आया हुई प्रेम का था वो मोटू भाई याद है मोटू याद आ गया वो शूटर डाला याद है ऐसे भागता है गोली लग जाती है डॉक्टर हाथी डॉक्टर वो डॉक्टर हाथी ही बनाएंगे पर अभी अभी वाला चेंज हो गया पहले स्टार्टिंग यही था चलो कोई तो दिखे भाई सर तारक मेहता की कहाँ शूट जाएंगे जाएंगे भाई बाहर से दिखाएंगे कैमरा के सामने आने वाले हीरो का गवाज आप हमेशा देखते ही हैं दोस्तों राइट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा ब्रिज दिखाई देने वाला है जिस ब्रिज को कहते हैं खंडाला ब्रिज एक्चुअल में खंडाला ब्रिज मुंबई और पुणे के बीच में आता है ये वो ब्रिज नहीं है ये उसकी कॉपी है रेप्लिका है यहाँ पर फिल्मों में किडनैपिंग मर्डर स्मगलिंग के सीन शूट होते हैं कई बार आर्मी बटालियन के मूवमेंट के सीन दिखाते हैं जैसे जब तक है जान में देखा है हीरो द स्पाई में देखा है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में देखा है फौजी में देखा है दोस्तों आपने सैनिक आर्मी न जाने कितनी सारी फिल्मों में दिखाते हैं ना एक थी बुलबुल बुलबुल बोली सुन बाबुल इस तरह के गाने में आपने देखा मूवमेंट दिखाते हुए वो यहाँ पर शूट होता है On right side, this small bridge. This bridge is known as Khandala Bridge. This is not a real Khandala Bridge. It's a replica of copy of a bridge that is somewhere between Mumbai and Pune. So, well, this place is used in murder sequences, kidnapping, smuggling, sometimes as a movement of army battalions, right? Jeeps and so many vehicles movement. Going to the Kargil, China, and so many places. Let's go. जो कैमरे के पीछे रहकर अपना हुनर दिखाते हैं अब हमारे आर्ट डायरेक्टर्स का हुनर आगे देखिए ये घर वैसे तो केवल कुछ दीवारें हैं पर देखिए ये घर क्या से क्या बन गया घर के आसपास बागीचा बनाकर उन्होंने अलग ही रूप दे दिया इसे और यहाँ सजी होली फिल्म बागबान यही लोकेशन बना स्कूल फिल्म सिंघम में भाई फिल्म सिटी वो जादुई पिटारा है जिसके अंदर से आर्ट डायरेक्टर की जादुई छड़ी क्या कुछ नहीं निकाल सकती दोस्तों हमें तो इस गार्डन से बड़ी जेलसी है जी हाँ और क्यों ना हो अरे भाई यहाँ कितने सारे स्ट्रगलर्स काम मांगने के लिए चक्कर लगाते हैं अपनी एक झलक पर्दे पर दिख जाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा देते हैं और ये पेड़ पौधे हैं कि जिन्हें बिन मांगे ही सैकड़ों फिल्मों में चांस मिलता है दोस्तों बाई तरफ आपको तारक मेहता का सेट दिखाई देगा ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं इसके अंदर है गोकुल धाम सोसाइटी अरे अभी गेट खुला है कि अब तो आपको इसका कुछ नजर भी आए दोस्तों यही गोकुल धाम सोसाइटी है और लेफ्ट साइड दिस इज इंडियन सीरियल द नेम ऑफ द सीरियल इज तारक मेहता का उल्टा चश्मा सो दिस इज द बिल्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरियल राइट दिस वन दैट ब्लू एंड ग्रीन एंड व्हाइट दिस वन दोस्तों वही है गोकुल धाम अगर उसके अंदर जाना मना है पूरा कवर किया गया है चारों तरफ से एक्चुअली में क्या था विजिटर्स लोगों ने बहुत परेशान किया उनके एक्टर्स को ओ पप्पट लाल तेरी शादी कब होगी ओ पप्पू पप्पू पता नहीं मजाक कर दिया तो उनके लोगों ने हमको थोड़ा सा बार कर दिया हमने कोशिश की है भी लेटर लिखा है मगर अभी थोड़ा सा उनके ना समझ रहे हैं दोस्तों अक्सर हो जाता है तो देखते हैं वहां पे कुछ चल तो रहा है पी अल्बेला देखते हैं तो पी अल्बेला का बताया तो है कि वो चल रहा है देखते हैं किसका है दोस्तों फिर हम लोग कैंपस जाएंगे ठीक है कैंपस में मैं आपको दो सेट्स दिखाऊंगा आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा 10 मिनट का ब्रेक क्यों दिया जाएगा दोस्तों हमारी टीम बहुत बड़ी है आप लोगों को वॉशरूम जाना होगा कहीं भी जाना हो तो आप जा सकते हैं अदरवाइज आप कैंटीन में बैठ सकते हैं कैंटीन दोस्तों कॉमन है कई बार एक्टर्स लोग भी आके बैठते हैं अगर कोई एक्टर खाना खा रहा हो तो खाते समय इससे मत करना अच्छी बात नहीं ठीक है हाँ अगर मुस्कुरा रहा है लगता है कि बात बन सकती है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करके पता है इंडिया में इंग्लिश बोलने वालों को एजुकेटेड समझते हैं तो क्या मतलब फोटो हो जाए अदरवाइज कोई बात नहीं शूटिंग ठीक है शूटिंग हो रही है यहाँ पर देखो पी एल वेला शूट हो रहा है
दिखेगा दिखेगा, डोंट वरी। आपके पास क्यों रखना है कि एक्ट्रेस नजर आई, ये ग्रीन वाली एक्ट्रेस है ना, क्या नाम है इसका, ये जो तगड़ी बॉडी वाला लड़का, ये तो लगता है क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखा मैंने इसको, जो मोटा सा ही है ना। दोस्तों सुनो, मेरे साथ रहना, आगे पीछे मत जाना, मैं आपको अभी दो जगह और दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, आइए गाड़ी जैसे सेटल होने देते हैं, फिर ये पुलिस वाला असली है, नकली नहीं है ये, नकली में सोने देना कहीं, हाँ इज रियल, ये पुलिस स्टेशन है दोस्तों यहाँ पर। आइए प्लीज कम, उत्तराखंड की गाड़ी बनाई, गाड़ी उत्तराखंड की बनाई है, यूके यूके का नंबर है, नौ में से सीन है कि मैडम कार से उसके अंदर जा रही है, मगर इसको भी कम से कम चार पांच बार करना पड़ेगा, एक बार नहीं उत्तराखंड की बना रही है ना, कोई पीएल वीला वहीं की कहानी है ना, तो हरिद्वार है कहाँ, 108 हरिद्वार, कौन सा सीरियल है सर ये, जी टीवी, जी टीवी तो नहीं यार, जा सकते हैं था राजा हरिश्चंद्र, राजा ये डॉक्टर में गांधी जी की बन जाती है, जिनके वो जिनके नाम पे कम फास्ट, सब डिफेक्टिव है दोस्तों, ये रेस्त्री का सेट है, सलमान खान की मूवी रेस्त्री, यहाँ पर रात में करते हैं कि दिन में नहीं करते, तो शाम को वैसे सलमान खान की मूवी बॉबी जोन और सैफ अली खान जैकी रूम है, शायद जैकी तो मेन रोल में ही है सलमान के ऑपोजिट में, तो ये उसी का सेट है रेस्त्री का, ये रात में शूट करते हैं, बाहर से जो आप देख रहे हैं ये वो है सेंट्रल जेल है, बदलापुर वगैरह मूवी में देखा है, ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं फिल्मों में क्रॉटलिस्ट बनाते हैं, तो विकी डोनर मूवी देखी है आपने, फिल्म एजेंट विनोद देखी है, शूटिंग सीपी में हुई है, मगर सारा सीन इतना डिफिकल्ट होता है वहाँ पर, रीगल प्लेस वगैरह दिखाना हो तो इस लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, अगर आपको वॉशरूम लीजिए, खाने में बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, जैसे स्नैक्स वगैरह लेना हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं, ठीक, चाहता हूँ वहाँ पर आप शाम को जाएं, अगर आप मुंबई में हैं, आज एक दिन रुके हैं, दो दिन रुके हैं, कभी भी आए आपको वहाँ ढेर सारे एक्टर्स दिखेंगे दोस्तों, हमारे मुंबई में कोई हमारी फिल्म सिटी पहली आखिरी जगह नहीं जहाँ पर शूटिंग होती है, बहुत सारी जगह है जहाँ पर शूटिंग होती है, जैसे नायगांव, उमरगांव, मड आइलैंड, मालवानी, गर्जर, लोनावला, अंधेरी, बहुत सारी जगहों पर शूटिंग होती है, स्टूडियोज 2000 से ज़्यादा हैं और 200 से ज्यादा फेमस स्टूडियोज हैं, जैसे आरके स्टूडियो राज कपूर साहब का है, महबूब स्टूडियो है, कमालिस्तान है, फिल्मिस्तान है, ठीक है, जहाँ पर इंटीरियर सेट्स वगैरह बनते हैं, शूट्स वगैरह जहाँ पर होता है, बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑडिटोरियम्स हैं जहाँ पर शोज वगैरह होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ थिएटर शोज की, प्लेस शोज की, नाटक यहाँ पर होती है, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नाटकों में काम करते हैं, जो आपको अक्सर नजर आते हैं फिल्मों में चरित्र किरदार निभाते हुए, जैसे अनुपम खेर साहब हैं, राइट, जैसे दोस्तों ये शेखर सुमन हैं, या पंकज कपूर हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, मकरंद देशपांडे हैं, विजय राज, यशपाल शर्मा, आदिल हुसैन, इस तरह के बहुत सारे एक्टर्स हैं जो थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उन लोगों का, इनके हर हफ्ते कहीं ना कहीं शोज चल रहे होते हैं,
कोई भी न्यूज़पेपर देखिए कहाँ कौन सा शो चल रहा है, आप जा सकते हैं वहाँ पर। सीमा विश्वास, नंदिता दास वगैरह बहुत बड़े बड़े एक्टर शोज वगैरह करते हैं। हमारे मुंबई में बहुत सारे ऑडिटोरियम हैं जहाँ पर शोज होते हैं। ऐसे एक फेमस ऑडिटोरियम है जिसका नाम है पृथ्वी थिएटर। पृथ्वीराज कपूर की याद में उनके बेटे शशि कपूर साहब ने बनाया। दोस्तों अभी शशि कपूर साहब का भी इंतकाल हो गया, मगर उनके बच्चे जैसे कुलान कपूर, कुणाल कपूर, करण कपूर, संजना कपूर उस काम को संभालते हैं। आप शाम को 8 बजे के बाद जाएंगे तो आपको ढेर सारे एक्टर्स वहाँ पर दिखाई देंगे। आपका मन हो तो आप वहाँ पर शो भी देख सकते हैं, मन ना हो तो जैसे कैफेटेरिया में आप यहाँ पर बैठते हैं ऐसे वहाँ कैफेटेरिया है। टीवी के बहुत बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर दिखते हैं। एक तरह का अड्डा है जहाँ बड़े बड़े एक्टर्स आके बैठते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब का घर भी साथ में ही है, जलसा। अगर आज संडे है, आज 5 बजे के बाद घर के बाहर नजर भी आते हैं हेलो करते हुए। जलसा जुहू बीच है, वहाँ जुहू बीच पास में इस्कॉन टेम्पल श्री कृष्ण भगवान जी का, राइट। और अमिताभ बच्चन के साथ में ही घर है धर्मेंद्र साहब का, यशराज चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा लोग चार भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उनके घर का नाम है रामायण, उनके बच्चों का नाम है लवकुश और एक बेटी की सोनाक्षी सिन्हा। सब वहीं रहते हैं। दोस्तों हमारी इंडस्ट्रियों को अच्छी बहुत लगती है, लेकिन जब इंडस्ट्री में काम करने की बारी आती है तो लोग ये समझते हैं यहाँ सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो दिखने में अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, किस्मत वाले हैं। ऐसा नहीं, यहाँ कोई भी काम कर सकता है, कभी भी काम कर सकता है। इंडस्ट्री में काम करने के बहुत से रास्ते हैं। एक बहुत बड़ा महासागर है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पहुँचती हैं। जैसे मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया, मॉडलिंग, क्रिकेट, रेसलिंग, कहीं से फिल्म लेकर के आप आइए, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, जॉन अब्राहम, राजेश खन्ना, कपिल शर्मा, ऐसी इंडस्ट्री में आए हैं। दूसरा, अगर आपके माता पिता, भाई बहन या दोस्त वरुण धवन, सनी देओल, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, काम भले ही माँ बाप की वजह से मिला मगर कामयाबी उनको अपने काम से मिली। तीसरा, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आते हैं, शाहरुख खान बैरी जोन्स करके आए, दोस्तों नसीरुद्दीन शाह FTINSC करके आए। चौथा, आप कैसे दिखते हैं, अगर जरूरत भीम घटोत्कच हनुमान कुंभकर्ण की होगी तो जो उनकी तरह दिखता है वही काम कर सकता है। या साउथ की मूवीज में आपको तमन्ना भाटिया, श्रेया शरण, कीर्ति सनन, दिल्ली, पंजाबी लड़कियां नजर आती हैं, क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर बनाया है कि उनकी सुंदरता को देखकर इंडस्ट्री ने काम कर दिया। पांचवा भी है बड़ा आसान सा, घर से 1.5 करोड़ रुपए लेकर के आइए, प्रोड्यूसर को दे दीजिए, वो आपको लॉन्च कर देंगे। भाई इन्वेस्टमेंट करके तो बिजनेस किया जा सकता है। एक्टिंग के अलावा ड्रामा, डांस, म्यूजिक, थिएटर, राइटिंग, सिंगिंग, रेडियो, इवेंट्स, प्रोडक्शन, कैमरा, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, डायरेक्शन, बहुत बड़ी फील है। एक जिंदगी कम है किसी एक काम को करने के लिए, यहाँ इतने सारे काम है। दोस्तों मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। हमारी इंडस्ट्री में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये कि जो इंसान यहाँ काम करता है वो हमेशा क्लियर हो जाता है। हमने राजेश खन्ना को नहीं देखा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, इस गाने को आप जब से सुनते होंगे आपको राजेश खन्ना दिखाई देते होंगे और किशोर कुमार सुनाई देते होंगे। श्री कृष्ण गीता में कहा है, ये सोचो ये संसार तुम्हें कैसे याद रखेगा, कुछ ऐसा कर जाओ कि जब तक ये संसार रहेगा हमारा काम हमारा नाम बनकर रहेगा। तो इंडस्ट्री ऐसी, अगर आप यहाँ काम करते हैं तो आप अमर हो जाते हैं। हमने राजेश खन्ना, देवानंद, प्राण, साधना, दोस्तों को नहीं देखा, मगर जब इनकी फिल्में देखते हैं हमें लगता है हमारे साथ। आप लोग इतनी दूर से आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उतरने से पहले प्लीज अपना मोबाइल, पर्स, कैमरा, कोई किसी सामान आप छोड़ के नहीं जा रहे हैं, 2, 4, 5, 10 बार चेक करना है, जो उतरना है आपके पास ही जो हमारा टूरिस्ट कार्ड हम लेकर के जाइए। थैंक यू।